Telesphore Placido Stokoe की जीवनी 15 अक्टूबर 1939 से 4 अक्टूबर 2023 तक महामहिम कार्डिनल टेलेस्फोर पी टोक्को का जन्म 15 अक्टूबर 1939 में चैनपुर पारिश के गांव झरगांव जिला गुमला में हुआ था। उनके पिता श्री अमरोस टोक्को एवं माता श्रीमती सोफिया खलखो के 10 पुत्र पुत्रियां थे। महामहिम कार्डिनल पी टोक्को माता पिता की 8वीं संतान थे। परिवार में कोई भी नौकरी पर नहीं थे। उनके माता पिता कृषि काम में संलिप्त थे। निसंदेह उनके माता पिता को गरीबी में अपने बच्चों के लालन पालन एवं शिक्षा दीक्षा में मुश्किल दौर से गुजरना पड़ा। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा गांव में पूरी की तथा माध्यमिक शिक्षा बरवे नगर से और उच्च विद्यालय की शिक्षा बरवे हाई स्कूल चैनपुर से पूरी की। उन दिनों बेल्जियम के येसु समाजी मिशनरी के रूप में टेलेस्फोर के गांव आया करते थे। उन्हें देखकर उसके मन में बिजली कौंध गई। उसने सोचा यदि बेल्जियम के पुरोहित अपने घर परिवार और अपना सब कुछ छोड़कर भयानक जंगलों और नदी नालों को पार कर सुसमाचार सुनाने के लिए सात समंदर पार गरीब आदिवासियों की सेवा के लिए आ सकते हैं तो मैं उनके समान क्यों नहीं बन सकता। यह प्रश्न उसको पुरोहित बनने के बाद भी झकझोरता रहा। बेल्जियम के पुरोहितों से प्रभावित होकर उन्होंने संत अल्बर्ट सेमिनरी रांची में दाखिला लिया। संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक की डिग्री हासिल की और रांची विश्वविद्यालय से एमए की पढ़ाई पूरी की। तत्पश्चात दर्शन शास्त्र की पढ़ाई संत अल्बर्ट कॉलेज में जारी रखी। उसने अर्बन पोंटिफिकल यूनिवर्सिटी रोम से ईश शास्त्र की पढ़ाई पूरी की। 8 मई 1969 में धर्माध्यक्ष फ्रांसिस्कुस के द्वारा स्विट्जरलैंड के बासेल में उसका पुरोहित अभिषेक हुआ। महामहिम टेलेस्फोर पी टोक्को बहुत सी भाषाओं के ज्ञाता थे। कुरुख, सागरी, हिंदी, इंग्लिश, इटालियन, लैटिन, जर्मन और संथाली। रोम से वापस लौटने के बाद उन्हें संत जोसेफ स्कूल तोरपा में नियुक्त किया गया तथा कुछ समय के बाद उसी विद्यालय के प्रभारी बनाया गया। 1976 में उन्होंने लीबंस बुलाहट केंद्र तोरपा की स्थापना की एवं उसके प्रथम निदेशक बने। उसके बाद वे महाधर्माध्यक्ष पीयूष कलकत्ता के सचिव बने। 8 जून 1978 को वे दुमका के धर्माध्यक्ष चुने गए और उसका आदर्श वाक्य था प्रभु का मार्ग तैयार करो। 7 अक्टूबर 1978 को संत तेरेसा बाली का विद्यालय दुधानी में उन्हें दुमका के द्वितीय धर्माध्यक्ष के रूप में अभिषिक्त किया गया। 8 नवंबर 1984 को संत पिता जॉन पॉल द्वितीय के द्वारा
रांची के कोजुदुर धर्माध्यक्ष नियुक्त हुए। रांची में रहने के दौरान 4 अगस्त 1985 को उन्हें रांची महाधर्म प्रांत के महाधर्माध्यक्ष के रूप में पदोन्नति मिली। 25 अगस्त 1985 को उन्होंने पूर्ण रूप से अपनी जिम्मेदारी संभालने की प्रतिज्ञा की। जैसे ही उन्होंने रांची के महाधर्माध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला, उन्होंने कलीसिया के विकास के लिए अपनी योजना और दृष्टिकोण को व्यक्त किया। महाधर्म प्रांत के लिए उनके दृष्टिकोण को इन शब्दों में व्यक्त किया गया था, एनिमेशन, कंसोलिडेशन एंड एक्सपेंशन। और रांची की कलीसिया को सुसंगठित और अनुशासित बनाने का उनका सपना था और लगातार उन्होंने इसके लिए काम भी किया। छोटा नागपुर की कलीसिया के लिए उनका दृष्टिकोण और झारखंड के आदिवासियों के लिए उनकी प्रगतिशील योजना की भारत के बिशपों के बीच में बहुत सराहना की जाती थी। आज हम उनके कामों को अपनी आंखों से देख रहे हैं कि उनके सभी काम महाधर्म प्रांत में कलीसिया की बेहतरी के लिए उनके सपनों को साकार करने की ओर उन्मुख है। महामहिम ने हमेशा जाति धर्म अमीर गरीब का भेदभाव किए बिना लोगों की भलाई के लिए काम किया। हर कोई उसके पास आ सकता था और खुलकर अपनी बातें साझा कर सकता था। उनके जीवंत व्यक्तित्व, ईश्वरीय चेतना और लोगों के विकास में गहरी रुचि ने कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया। उन्हें आदिवासी होने का हमेशा गर्व था और आदिवासियों के हितों के लिए हमेशा मजबूती से खड़ा रहा। उन्होंने आदिवासियों के मुद्दों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बैठकों में उठाया। चाहे हम इसे स्वीकार करें या ना करें, वे आदिवासी कलीसिया के सबसे प्रमुख नेताओं में से एक थे, जिन्होंने हमेशा आदिवासी कलीसिया को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। अपने नेतृत्व के माध्यम से वे सभी ईसाई समुदायों को एक समूह में लाए। इसके अलावा उन्होंने रांची में सदैव सद्भावना मंच को संरक्षण दिया और उसे प्रोत्साहित किया। उनके काम में मन की ताकत और ईमानदारी झलकती थी, जिसने उन्हें अधिक लोकप्रिय बना दिया और देश के भीतर और देश के बाहर भी कई लोगों का दिल जीत लिया। हमें उन्हें रांची के महाधर्माध्यक्ष के रूप में पाकर गर्व है। कालीनर तेलेस्पोल पी टोप्पो की उपलब्धियां धर्म प्रांतीय स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने काम किया है जो सराहनीय है। जैसे धर्म प्रांतीय स्तर पर उन्होंने सोशल डेवलपमेंट सेंटर रांची, लीवंस वोकेशन सेंटर फुलबुंडू, लीवंस अकादमी लोहरदगा, लीवंस मेमोरियल हॉस्पिटल हीरा बागवे, डॉन बॉस्को यूथ सेंटर बरियातू, फादर कॉन्स्टेंट लीवंस हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर मांडर, उसी के प्रयास से राजा उल्हातु के चर्च को माइनर बसिलिका का दर्जा मिला। ये सब उनकी दूरदर्शिता का फल है। इसके अतिरिक्त उन्होंने कई नए पारिश
और मिशन स्टेशन की शुरुआत की। धर्म प्रांत में उन्होंने आधा से अधिक पुरोहितों को अभिषेक प्रदान किया, साथ ही 50 से अधिक धर्म संघों के लिए धर्म प्रांत में स्थान दिया। क्षेत्रीय स्तर पर उन्होंने 3 नए धर्म प्रांतों का निर्माण किया, गुमला, सिमडेगा और खूंटी। उसने 24 धर्माध्यक्षों का अभिषेक किया। सभी धर्म प्रांतीय धर्माध्यक्षों को एक साथ लाना और उनकी अगुवाई करना, इन सब का श्रेय कार्डिनल को भी जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर वे 2 बार कॉन्फ्रेंस ऑफ कैथोलिक बिशप्स इंडिया के उपाध्यक्ष रहे, 1998 से 2002 तक। सीसीबीआई के अध्यक्ष 2002 से 2005 तक, और वे 2 बार कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में 2004 से 2008 और 2011 से 2013 तक भारतीय कलीसिया की अगुवाई की। सीबीसीआई के संरक्षण में ज्ञान ग्राम मेडिकल कॉलेज उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेंबर ऑफ वर्ल्ड असेंबलीज ऑफ द सिनोड ऑफ बिशप्स, मेंबर ऑफ द पोंटिफिकल काउंसिल फॉर इंटर रिलीजियस डायलॉग, मेंबर ऑफ द सेंट्रल कमिटी ऑफ द फेडरेशन ऑफ एशियन बिशप्स कॉन्फ्रेंस, चेयरमैन ऑफ द ऑफिस ऑफ पीस एंड हार्मनी ऑफ द एफएबीसी, मेंबर ऑफ द गवर्निंग बोर्ड ऑफ द वैटिकन बैंक। अंत में हम केवल इतना ही कह सकते हैं कि रांची महाधर्म प्रांत की देखभाल करते हुए महामहिम निश्चित रूप से एक प्यारे चरवाहे, सक्षम नेता और कुशल संगठनकर्ता साबित हुए।